गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। चतरा के सांसद सुनील सिंह पहुंचे गढ़वा, सरकार पर जमकर बोला हमला। गढ़वा भाजपा द्वारा 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर आज चतरा के सांसद सुनील सिंह गढ़वा पहुंचे, जहां उनके द्वारा परिसदन भवन में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया और नेताओं को यह आदेश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग सचिवालय घेराव में पहुंचे। मेरे तो वही प्रेस वार्ता पर कर चतरा सांसद सुनील सिंह ने कहा कि 11 अप्रैल को रांची सचिवालय का घेराव भाजपा करने जा रही है, जिसे लेकर हर जिले में भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर सचिवालय घेराव को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाने की अपील की गई। दर्शन में हाथी कहा कि हेमंत की सरकार सिर्फ लूटने का कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन और जनमानस के मजबूती के साथ प्रदर्शन करेगी। मौके पर पलामू सांसद बीडी राम, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, जवाहर पासवान, बबलू पटवा, संतोष दुबे, विकास स्वदेशी आदि लोग उपस्थित थे। राज्य में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसके भ्रष्टाचार, इसके अत्याचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव रखा है रांची में। और आप सबों को विदित होगा कि इस सरकार में जहां भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं आदिवासी दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के साथ तो अत्याचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, किसान बेहाल है, हमारे युवा रोजगार के चक्कर में, जिनको इन्होंने भुलावा देकर रखा था, आज निराश होकर सड़कों पर उतारू है। और पूरे प्रदेश में एक अराजक स्थिति है। लगता ही नहीं है कि यहां कोई सरकार काम कर रही है जन कल्याणकारी, जिसके उद्देश्य हो। व्यवस्था अस्त व्यस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिपक्ष होने के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए राज्य के जनता के अंदर जो असंतोष है, उसके स्वर को अभिव्यक्त करने के दृष्टि से 11 अप्रैल को रांची के अंदर इस राज्य के सचिवालय को घेरने का आह्वान किया है और भ्रष्ट हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। और इसी दृष्टि से हम लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये बात आज का विषय नहीं है, वैसे हम उत्तर दे देंगे। इस महीने के भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सचिवालय है रांची स्थित, उसका घेराव करने जा रही है। और ये जो राज्य में सरकार चल रही है, 3.5 वर्षों से हेमंत सरकार ने जो झारखंड को लूटने का और जनता को सिर्फ जो ठगने का काम किया है, उसके विरुद्ध जो जन आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति का स्वरूप, विराट स्वरूप 11 अप्रैल को रांची में नजर आएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो उसके खिलाफ आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति जो मैं कह रहा हूं, इसका तात्पर्य ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 4-5 महीनों से लगातार इस सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन और जनमानस को तैयार करने में लगी है। और आपने खुद अनुभव किया होगा कि इसके पूर्व हमने सभी प्रखंडों पर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रखंडों के बाद हम लोगों ने जिला केंद्रों पर भी इस सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। और अब तो पिछले 2-3-4 दिनों से ये भी समाचार आ रही है कि गैर राजनीतिक तरीके से भी अलग अलग युवाओं ने विरोध करना प्रारंभ किया है। पिछले दिनों ऐसी घटनाएं जमशेदपुर, रांची, अनेकों जगह हुई। इस सरकार ने जिस तरह से यहाँ के युवाओं को ठगा है, किसान यहाँ मायूस है, महिलाएं असुरक्षित हैं और
ये सरकार जो आदिवासी का नाम लेती है, मुझे लगता है। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 फोर्थ सेशन 2023-24 ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर टंडवा गढ़वा।